दोस्तों दूसरी बार मां बनने जा रही एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का कहना है कि वो पहले बच्चे के जन्म के बाद में डिप्रेशन में चली गई थी। दरअसल दोस्तों इंस्टाग्राम पर आस्क मी ए क्वेश्चन सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी विफलता के बारे में सवाल किया था और ये भी पूछा कि वो इससे कैसे उभर पाई। समीरा ने दोस्तों फैंस के इस सवाल का जवाब देते हुए लिखा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विफलता पहले बच्चे को जन्म देने के बाद डिप्रेशन में चले जाना था। मैं इससे लड़ी नहीं, मुझे बस इस बात का एहसास काफ़ी देरी से हुआ कि मुझे अपने शरीर और छवि को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। मैं दुनिया से छुपती थी और काफ़ी टेंशन में रहती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने इससे उबरने के लिए थेरेपी और होम्योपैथी का सहारा लिया। मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगी। दोस्तों नो एंट्री, रेस और दे दनादन जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस समीरा रेड्डी आखिरी बार फिल्म तेज में दिखाई दी थी। साल 2014 में बिजनेसमैन अक्षय वर्दे से उन्होंने शादी की और साल 2015 में बेटे को जन्म दिया। अप्रैल में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने डिप्रेशन पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं शादी के कुछ महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई। प्लान था कि प्रेगनेंसी के बाद फिर से लाइमलाइट में आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया, सब कुछ इसके उल्टा हुआ। दोस्तों समीरा के मुताबिक बेटे के जन्म के बाद उनका वजन 102 किलो तक पहुंच गया था। समीरा के अनुसार सेक्सी सेम होने के बावजूद मैं मोटी हो गई थी, मेरा वजन 32 किलो ज़्यादा हो गया था और मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। मैं पूरी तरह से मैस हो चुकी थी। जब मैं घर से निकलती थी तो लोग कहते थे कि क्या यह समीरा रेड्डी है, इसे क्या हुआ, इससे मैं और भी ज़्यादा हताश हो जाती थी। वहीं दोस्तों इस एक्ट्रेस के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया जब वो किसी तरह की चकाचौंध को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उन्होंने कहा कि सब जानते थे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी माँ थी। इन सब के बाद मुझे एलोपेसिया एरिटिया नाम की बीमारी हो गई थी, जिसके चलते मेरे बालों में आए पैचेस बेटे के जन्म के 6 महीने बाद ख़त्म हो पाए, लेकिन इसका प्रेगनेंसी से कोई भी लेना देना नहीं था। समीरा कहती है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की, थेरेपी की मदद से समझा कि एक इंसान के तौर पर वो कितना कंफ्यूज थी, एक एक्ट्रेस के तौर पर वो क्या थी और आज एक माँ और पत्नी के रूप में क्या हो चुकी है।